रत्नाकरम श्रावकाचार, तारीख 4/8/1999। नमो अभिन्तानं नमो सुप्रां नमो आयुर्यां नमो विभुचारां नमो वैरिसप्रसां नमो सदोसाराय स्वामी भूतया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान् प्रचित मंगलं भगवान् की मंगलं गौतमोऽहम् मंगलं कुन्दकुण्डलो जयं दर्पोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जयं भवतु शाश्वतम् ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं चन्द्रे ओंकाराय संबद्ध भद्र आचार्य देवरचित श्री रत्नाकरण श्रावकाचार्य इसका 7वां संलेख नादि का इसके ऊपर पंडित सदा सुखदास केसलीवाल की टीका चल रही है। इसमें मनुष्य गति के दुखों के बारे में चल रहा है। कल जो बात निकली थी कि जिनको खाने पीने का कोई विवेक नहीं है, योग्य अयोग्य का कोई विचार नहीं है और चाहे जितनी हिंसा हो लेकिन अपने सुख के लिए हिंसा कर लेते हैं, दिल में दया नहीं है और ऐसे बड़े बड़े रोगों का जानकार इलाज करने वाले डॉक्टर लोग भी वो भी इच्छा होने पर भी कोशिश होने पर भी कर्मों के उदय के सामने टिक नहीं पाते। तो भी त्यागी व्रति साधर्मी तुम्हारे व्यवहार करने वाले दयावान उनको तो कर्मों के उदय का सामना करने का भाव भी नहीं है। जो त्यागी लोग हैं दयावान हैं तो वो तो कर्म के उदय के सामने टक्कर लेने वाले ही नहीं है, उनकी इच्छा ही नहीं, वो तो चाहते हैं कि और भी आओ इतना आना है क्योंकि हमारा कर्जा चुक रहा है। वो तो ऐसा समझते हैं कि ये जो आज हमारा पूर्वकृत कर्म का उदय आता है ये बहुत अच्छे समय में आया है। अच्छा समय मैंने क्या कि मनुष्य गति में है, छोटी सी आयु से है, अगर दुख भी भोगना पड़ेगा तो कब तक भोगना पड़ेगा, अगर सभी नरक गति में होते तो बहुत साल तक भोगना पड़ता। मनुष्य गति का आयुष कितना 50-100 साल समझ, तो भोगने का जो समय है बहुत थोड़ा है। अगर दुख भी आया तो हम तो घबराते नहीं, ऐसे सुंदर अवसर पे ये दुख आया है। अभी हमारे पास प्रचुर ज्ञान रूपी धन है, क्या दूसरा क्या बात है कि जिनेश्वर ने दी हमारे पास आत्मा में शक्ति है और बहुत ज्ञान का खजाना भर के है। भगवान पंच परमेष्टि की शरण है, साधर्मियों की बड़ी सहायता है। अतः ये कर्जा चुकाने में दुख को सहन करने में कसौटी पे खड़ा उतरने के लिए कोई ज्यादा तकलीफ नहीं। अतः सहज ही ऋण का भार उतार कर निराकुल सुख को प्राप्त करूंगा। ये बहुत अच्छा अवसर आया है कि इस टाइम में मुझे तकलीफ हुई है। अपने कसायादि भावों से उत्पन्न किया कर्म ऐसा बलवान है कि वह रुद्धि के विद्या के बंधुजनों के धन संपदा के शरीर के मित्रों के देव दानवों की सहायता के बल को आधे क्षण में ही नष्ट कर देता। हमारा पूर्व कर्म जो उदय आता है तो कोई कितना भी सहाय करता है तो उस सहाय को तो एक आधी सेकंड में ही खत्म कर देता है क्योंकि उसका फायदा हमको नहीं होता है। हमारे पाप का उदय जितना सहाय देंगे उतना भी खो देंगे। कर्म रूपी ऋण बिना चुकाए छूटता ही नहीं है, इसलिए ऐसे समय में हम स्वयं समता भाव से भोग ले वो अच्छा है, लेकिन कर्जा नहीं लेना उस टाइम में क्योंकि सहाय करेंगे वो लोग लेकिन हम डूबते जाएंगे तो फायदा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हेल्प करेगा तो हम अपने कर्मों के उदय से बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। चाहे देव दानव भी अपने को हेल्प करे, चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितनी विद्या हो, चाहे भाई लोग सब अपने को हेल्प करे, मित्र लोग हेल्प करे, लेकिन हमारा जब पाप का उदय आता है वो तो स्वयं हमको ही भोगना पड़ता है। अगर वो हेल्प भी करेंगे तो वो टिकने वाली नहीं है, वो आधी सेकंड में खत्म हो जाएंगे।
इसका मतलब क्या कि कर्म रूपी ऋण बिना चुकाए छूटता ही नहीं। रोग शोक जीवन मरण अन्य किसी के भी उदय में नहीं आए हो, केवल तुम्हारे ही उदय में आए हैं। बंद कर दो मोबाइल वाला, बस रोग शोक जीवन मरण अन्य किसी के भी उदय में नहीं आए हो, केवल तुम्हारे ही हृदय में आए, उदय में आए हैं, तब तो दुख करना उचित है। जिस पाप से जिस दुख से आप घबराते हो, या अकेले आपको ही आए हैं, दूसरे को नहीं आते हैं, किसी को भी, अकेले आप रोग होते हो तो ठीक है आप रोए, लेकिन रोग तो दुनिया में कई लोगों को आता है। ऐसे दुख के प्रसंग, जन्म मरण, ऐसा जब चक्कर जो है, तकलीफ वाली बातें हैं, वो तो हर एक के उड़े में आते हैं। आप अकेले नहीं हो जो रो रहे हो, तो सिर्फ आपको ही अगर उड़े में आए हो और किसी को भी नहीं आते हो, तब तो आप दुखी हो जाओ, ठीक समझ में आता है। शुद्धा तृषा रोग वियोग जन्म जरा मरण उदय के अवसर में किसे दुख नहीं देते हैं, मतलब जीव मात्र को, प्राणी मात्र को तकलीफ होती है। समस्त संसारी जीवों के कर्म का उदय आता है, सभी मरण को प्राप्त होते हैं, चारों गतियों में कर्म का उदय आता है। भाई स्वर्ग में नहीं आता ऐसी बात नहीं, स्वर्ग में भी उदय आता है कर्म का। अतः पूर्व हाँ कर्म का उदय, भूख तो उनको भी लगती है, देवों को भी, उनको भी इच्छा होती है घूम के आवे, चलो कंटाला आता है, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, घूमने को क्यों गए, टाइम पास करने, कंटाला आता है, एक एक चीज देखते रहो, इतने भी अवसराओं के नृत्य हो लेकिन थक जाएगा देखते देखते क्या। और पंचेंद्रिय के साधन पूरे मौजूद है वहां पर, पुण्य के उदय से अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पी सकते हैं, अच्छा देख सकते हैं, अच्छा सुन सकते हैं, लेकिन है तो केवल ज्ञानी तो नहीं है, तो जो ज्ञान का उपयोग हो एक समय में एक ही टाइम में रहता है। ज्ञान का जो उपयोग है देखने में तो सुनने में नहीं, सुनने में तो चखने में नहीं, तो हमेशा चार प्रकार के, एक को भोगेगा तो चार का तो दुख रहे, हमेशा उसको भी रहता है, आकुलता उनको भी होती है। पंचेंद्रिय है, पांच इंद्रिया है और सुविधा पूरी है अपने को, क्या है कि भाई चलो भाई आंख अच्छी है तो कान में तकलीफ, या सुन जिसको सुनना चाहे वो नहीं सुन सकते, अच्छा देखना चाहे नहीं देख सकते, अच्छा खाना खाना नहीं, कोई ना कोई सब प्रकार की सुविधा अपने को नहीं है, लेकिन उनको तो पांच इंद्रिया है और सुविधा पूरी है, लेकिन भोगने में तो टाइम लगेगा ना, एक के बाद एक ही होगा ना, जब एक को भोगेगा तो चार का दुख तो कायम रहता है, तो स्वर्ग में भी सुखी नहीं है कुछ, वहां भी आकुलता रहती है। चारों गतियों में कर्म का उदय आता है, अतः पूर्व अवस्था में जो कर्म का बंध किया था, क्या कहते हैं कि रोग शोक जीवन मरण अन्य किसी के भी उदय में नहीं आए, केवल तुम्हारे ही उदय में आए हो, सभी को उदय में आता है। समस्त संतारी जीवों के कर्म का उदय आता है, सभी मरण को प्राप्त होता है, चारों गतियों में कर्म का उदय आता है, स्वर्ग के जीव भी दुखी, नरक के मनुष्य प्रति के ऐसा नहीं, स्वर्ग में भी पूरी सामग्री होने को भी एक के बाद एक ही भोग सकता है। नहीं, जितने हम पुराने भोग लेते हैं सुख दुख वो खत्म, लेकिन नए नए बांधे सो और जितने नई खत्म हुए तो सब हमारे साथ में चले। तीन गुफा में है ना आत्मा, दूसरी गुफा साथ में चलती है और ऊपर की गुफा जो है नौकर वाली वो बदलते रहती है, द्रव्य कर्मों वाली गुफा है वो तो हमारे साथ में चलती है, बहुत अनंत काल के कर्म बांधे हैं उसमें जितना भोगे हैं उतना खत्म, जितने नहीं भोगे वो और नए जो बांधे वो उस पर कहीं भी जाएंगे तो साथ में, जब तक उसका चुपका नहीं करोगे तब तक साथ में, हाँ स्वर्ग में चले गए फिर वापिस प्रॉब्लम, तो जो पुण्य का उदय है और स्वर्ग में गए तो वो कर्म चुपका हो गए वहां पर, लेकिन वहां पर जाकर के जो आकुलता करते हो, टेंशन करते हो, दुखी होते हो, सुविधा चाहते हो और ज्यादा, उससे जो पाप करते हो तो वो नए कर्म ऐड होकर के वापिस उसमें आना होता है, चार गति में, तो चारों गतियों में कर्म का उदय आता है। अतः पूर्व अवर्तन में जो कर्म का बंध किया था उसका उदय आने पर आकुलता छोड़ करके परम धीर्य धारण करके श्रम भावों से कर्म पर विजय प्राप्त करो। उपाय तो कुछ करना है, किधर भी जाओ उदय तो आपको छोड़ने वाले, आप किधर भाग जाओगे तो क्या उदय थोड़ा छोड़ा, समझो आपने किसी का पैसा लिया और आपने नहीं चुकाया,
आप भाग गए, छुप गए, पाया मांगने के लिए तो आप छुप गए, क्या दोबारा नहीं आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा। चलो यहाँ पर इस भाव में नहीं चुका करे, लेकिन नहीं चुकाने का जो भाव है वो तो और ज्यादा भाव करके और ज्यादा देना पड़ेगा, ब्याज तो चढ़ते ही जाता है, छोड़ेगा थोड़ा कोई आप पुण्य का उदय आएगा तो ही उसके दिल में भाव आएगा कि हम छोड़ दो, जब तक तो आप उसका हजम नहीं कर पाओ, हजम करने का जो भाव है वो तो पाप का भाव है, तो और ज्यादा देना पड़ेगा और ज्यादा दुखी हो जाओ। दुखों से बच नहीं सकते हम, संसारी जीवों को चारों गतियों में कर्म का उदय आता है, समय दृष्टि जीव कहीं भी सुखी रहता है, स्वर्ग में क्या और नरक में भी सुखी रहता है, क्यों उसका कारण क्या है, कभी भी दुखों से भागता नहीं, वो कहता है कि मेरे पास ज्ञान की शक्ति है, अपना अवलोकन में कर सकता हूँ, फिर ज्ञान कर सकता हूँ, ऊपर से पंच परमेश्वरी गुरु का मेरे को शरण, ऊपर से साधनों की हेल्प है, तो मैं तो हंसते हंसते कर्जे को चुका दूंगा, तकलीफ क्या चीज है। और सम्यक दृष्टि को स्वरूप को बार बार देखने की कोशिश होने से उसको पुण्य भी पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, उसको ये तकलीफ वाली भविष्य में तकलीफ नहीं आएगी, भूतकाल में जो बंदे वो आ गई वो अलग ठीक है, भविष्य में पुण्यानुबंधी पुण्य होने से कोई तकलीफ आती ही नहीं, समझो कभी आती है तो घबराते भी नहीं, वो सामना करता है, प्रॉब्लम दर्ज नहीं करता। अतः पूर्वावस्था में जो कर्म का बंध किया था उसका उदय आने पर आकुलता को छोड़कर, मतलब आकुलता मतलब कब ये पाप का उदय हट जाए ऐसी चिंता जो होती है वो गड़बड़ है पूरी, वो तो अभी वो ज्ञान की ताकत अभी उसके पास नहीं है, वो ऐसा घबरा कर नहीं टेंशन नहीं करता है कि कब ये पाप का उदय खत्म होगा, कब ये बीमारी खत्म हो जाएगी, कब सामने वाला मान लेगा मेरी बात, कब सामने वाला मेरे अनुकूल हो जाएगा, कब मनचाह पैसा मिल जाएगा, मनचाह स्थिति हो जाएगी, ऐसा वो नहीं चाहता है। पाप का उदय आने पर आकुलता छोड़ करके परम धैर्य धारण कर, बहुत समता भाव, बहुत धीरज, संभावों से समता भाव से धीरज से और संभाव से कर्म पर विजय प्राप्त करो, समस्त दुखों को जीतने के अवसर पर अब किसका विचार करते हो, जब आपको जीत का समय आया है तब दुखी क्यों होते हो, आप में ताकत भी है, अवसर भी ऐसा आया है विजय हासिल करने, तब दुखी क्यों होते हो। सम्यक दृष्टि तो जन्म से ही समाधि मरण की इच्छा करता है, सम्यक दृष्टि समझो यहाँ देह पूरा होगा तो दूसरी गति में जाता है, जहां भी जाता है स्वर्ग में नरक में किधर, नरक में तो कोई कोई जीव जाते हैं उसका आयु से पहले से बंध रहा हो, बाकी तो स्वर्ग में जाते हैं, तो स्वर्ग में जाते हैं तो वहां तो वातावरण अनुकूल रहता है, लेकिन उसका पैदा होते ही उसके दिल में भाव क्या होता है, समाधि मरण चाहता हूँ, लंबी लंबी आयु से नहीं चाहता है, लंबी आयु से तो टेंशन हो जाता है, स्वर्ग में लंबी लंबी आयु से होती है, लेकिन पैदा होते ही वो क्या जाता है, जल्दी से समाधि मरण हो जाता है, जल्दी भाव पूरा हो जाए कि मनुष्य गति में आ जाए, और समय दृष्टि को साथ में रहता है, अनुभव ज्ञान साथ में रहता है, मृत्यु को भी देखता है और जन्म को भी देखता है, कोई कपड़े बदलिए ऑनलाइन कपड़े पहने ऐसा उसको पता मालूम हो जाता है, ये देह छूटा और वो देह आया तो उसको पता होता है, तो अपने को एक कपड़ा चेंज करके दूसरा कपड़ा पहनते हैं तो कैसा मालूम रहता है, ऐसे समय दृष्टि जीव को बांध देता है कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं, शरीर छूटने से दुख नहीं होता है और नया शरीर मिलने से उसको अर्थ नहीं होता है, वो तो अशरीरी भाव से तो नहीं क्या क्या किए उसने, मुझे परम शांति चाहिए मैंने क्या किस भगवान बनना है, कोई जात का टेंशन नहीं होना, तो शरीर ही नहीं होना, शरीर है तो कितनी तकलीफ है, दुख ज्यादा है, दूसरे लोग तो वैरी लोग तो कभी आएंगे तक दुख देंगे, ये तो 24 घंटा दुख देता है, एक जगह थोड़ी देर बैठे रहे तो तकलीफ हो जाएगी, आप इस पैर उठाओ जरा थोड़ा घूमो, बीमारी आवे, रोग आवे, भूख क्या लगे, ठंडी गर्मी होवे, एकदम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम किसका है, शरीर की तकी हमको ज्यादा तकलीफ होती है, ये जेल 24 घंटे की, शरीर को चाहता ही नहीं, वो समाधि मरण चाहता है कि जल्दी ये भाव पूरा हो, मनुष्य गति में जावे, वहां ज्यादा साधना करके जल्दी भाव की चले जावे, उसको संयोग को भोगने का उसको इरादा ही नहीं, संसार के सुखों को भोगने का उसका कोई इरादा नहीं, अभिप्राय नहीं, फिर भोगना पड़े वो अलग बात हो गई, वो उसकी मर्जी विरुद्ध की बात है, वो कर्म का उदय की जोरावली, खुद नहीं चाहता, वो
खुद को तो कुछ मतलब भोगना ही नहीं, संसार का एक भी सुख, क्योंकि तो मालूम है क्यों संसार में कहीं भी सुख नहीं, दुख आए थे सुख कहाँ है, सुख तो मेरे पास ही है अंतर में ही, तो कुछ खो नहीं चाहता। समय दृष्टि तो ऐसे बड़े बड़े महाराजा के घर में जन्म होता है, खुद राजा बनता है, मनुष्य गति में भी आए तो हर प्रकार की सुविधा होती है, या देवगति में जाता है, लेकिन उसकी इच्छा भोगने की नहीं है, भोग विलास करने की नहीं, वो जन्म से ही समाधि मरण की इच्छा करता है, इसीलिए वो कहीं भी जावे तो सुखी रहता है, उसको दुख नहीं है किसी बात। समय दृष्टि तो जन्म से ही समाधि मरण की इच्छा करता है, यह अवसर बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है, समस्त दुखों के नाश का अवसर कठिनाई से प्राप्त हुआ है। वो तो एक बार अनुभव हुआ तो कभी भूलता ही नहीं, मान लेता है। समस्त दूसरों के दुखों के नाश का अवसर कठिनाई से प्राप्त हुआ है, पुण्य का उदय होता है तो पाप का उदय जल्दी जल्दी नहीं आता है। प्रॉब्लम क्या है कि समय दृष्टि जीव होते हैं तो बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकर ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा ऐसे हो जाते हैं, उनके पुण्य ज्यादा होते हैं, पाप बहुत कम, तो नहीं के बराबर समझो पुण्य ज्यादा रहते हैं तो बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, क्योंकि पाप का उदय तो है नहीं तो कर्म का कुल तो कर्जा चुकाएंगे कैसे, हम अकेला पुण्य ही पुण्य देंगे तो कर्जा कैसे चुकाओगे, बाकी इनमें वो क्या करते हैं फिर जल्दी जल्दी मौत जाने के लिए क्या करते हैं, महिलाओं को छोड़ देते हैं, छह खंड को छोड़ देते हैं एक छह खंड के अंदर, सब सुविधा मिलती है और वो बोलते नहीं चाहिए हमको, ऐसा करके जंगल में चले आते हैं, सामने से जा करके पाप के उड़े को बोलते हैं आ जाओ क्योंकि हमको जल्दी जल्दी अब मौत जाना है, तो हमको ये घूमते रहेंगे ये हमको ऐसा नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमारे, सब लोग जल्दी जल्दी आ जाओ, ऐसा हो जाते हैं तो तीर्थंकर जैसे चक्रवर्ती जैसे भी जल्दी से महिलाओं को छोड़ करके जंगल में जाकर के परम ध्यान करो, हम मच्छरों का इतराज होता है, ठंडी गर्मी होती है, सब पहन करते हैं, पाप का उड़े नहीं आते तो सामने से डाल लेते हैं पाप का उड़े, वो क्या समझते हैं कि यह अवसर बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है, समस्त दुखों के नाश का मुक्ति पाने का अवसर कठिनाई से प्राप्त हुआ, इस उत्साह के अवसर में विश्वास करना उचित नहीं, मुक्ति होना उचित नहीं, यदि यह अवसर चूक गए तो फिर अनंत काल में ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, मोक्ष जाने का जो उपाय है वो कर्मों की निद्रा के बिना मोक्ष जा सकते हैं, सामने से जब लेने को आया तो दे दो ना जल्दी से मोक्ष जा सकते हैं, पाप का उड़े तो कम था क्योंकि पाप की ज्यादातर आत्मा में नींद रहते थे, महिला में रहने पर हम तो पाप का उड़े तो पाप बनते नहीं था, जल्दी चुपता हो गया, संयम भंग करना महा अपराध है, सामने से जा करके ऐसे प्रसंग में जाना कि जहां आपको गालियां सुनने मिले, जहां आपको लोग तकलीफ देवे, क्या फुर्सत कर्म कम है और फुर्सत ज्यादा है दोनों, संयम भंग करना महा अपराध है, अपने मन वचन का ऐसे किसी भी जीव को थोड़ी भी तकलीफ देना बहुत बड़ा अपराध है, संयम भंग नहीं करना। अनंत सिद्ध आचार्य आदि भगवान परमेश्वर और समस्त साधनियों की साक्षी में जो त्याग व्रत संयम ग्रहण किया था उस त्याग को भंग कर देने में पंच परमेश्वर की विरुद्धता हो समाधि मरण करने वाले अनसन्य थे, सबका ही प्रसंग बोले पीड़ा से भूख से होते हैं तो सुशांत करते हैं, आपने तो सबके सामने क्या व्रत पक्षण लिया है अब उसको छोड़ना नहीं, छोड़ोगे तो पंच परमेश्वर की विरुद्धता हुई, समस्त धर्म का लोप हुआ, धर्म का लोप हुआ, धर्म को दूषण लगाया, धर्म के मार्ग की विराधना की, अपने दोनों लोक नष्ट किए, यहाँ पर भी पाप कर्म बांध लोगे भविष्य में भी दुखी हो जाओ, मरण तो अवश्य ही होगा, तुम तोड़ो या नहीं करो, क्या तुम संयम के जो तप लिया है बंदा क्या बोलते उसको बाधा लिए अंतारा वो नियम को प्रतिज्ञा लिए उसको तोड़ोगे तो भी मरण आएगा और उसको बचा के रखोगे तो भी मरण तो आएगा, मरण और दुख तो व्रत संयम को भंग कर देने पर भी दूर नहीं हो सकते, ऐसा नहीं क्या अंतारा तोड़ दिया तो मरण नहीं आएगा, मरण तो फिर भी आने वाला है,
अच्छा ये है कि हम संसार को कायम रखें। जो कार्य राजा और पंचों को साक्षी बनाकर किए जाते हैं, यदि उन कार्यों को फिर बिगाड़ देवे तो वह महा अपराध के तीव्र दंड को प्राप्त करने योग्य है। जो कार्य राजा और पंचों को साक्षी बनाकर किए जाते हैं, यदि उन कार्यों को फिर बिगाड़ देवे तो वह महा अपराध के तीव्र दंड को प्राप्त करने योग्य है। तो राजा का जो नियम है उसको तोड़ेगा तो क्या होगा, सजा मिलेगी। समस्त लोक में धिक्कार व तिरस्कार को प्राप्त होता है। परलोक में अनंत काल तक अनंत जन्म मरण रोग वियोग होने का पात्र होता है। जो त्याग आदि नहीं करता है वह तो अनादि का संसारी है ही, उसने तो त्याग संयम व्रत पाया ही नहीं। किंतु जो त्याग व्रत संयम समाधि मरण संन्यास लेकर फिर बिगाड़ देता है, उसे धर्म की गंध प्राप्त होना अनंत अनंत काल में होना। जो संयम नहीं पालते हैं वो तो अनंत संसारी है, लेकिन जो संयम पालने के बाद मतलब व्रत तप नियम लेने के बाद भी तोड़ देते हैं उसको तो धर्म की गंध प्राप्त होना अनंत अनंत काल में भूलना है। व्रत का भंग करना महा अपराध है। ये बात इधर मनुष्य गति के रूप में लिया। अब उस टाइम में क्या होता है, संसार में खाना पीना तोड़ लेते हैं तो फिर खाने की इच्छा होती, इसके बारे में बात किया। आहार की विरुद्धता, आहार की विरुद्धता मतलब भोजन लेने की जो इच्छा होती है वो अत्यंत निंदनीय है। जो उत्तम पुरुष है वे तो सुधा वेदना को प्राणों का अपहरण करने वाली जानकर उसके इलाज मात्र के लिए आहार करते हैं। उसकी उसकी भी उन्हें बड़ी लज्जा, आहार के बिना नहीं रह सकती और देह के बिना तप व्रत संयम रूप रत्नत्रय धर्म नहीं पल सकता है। इसीलिए रत्नत्रय धर्म को पालन करने के लिए रस तीरथ जैसे भोजन की विधि कर्म मिला दे वैसे निर्दोष उज्जवल भोजन से उदर भरता है। रसना इंद्रिया की लंपटता को कभी प्राप्त नहीं होता है, ये उत्तम पुरुष की बात। मनुष्य जन्म की सफलता तो आहार की लंपटता को जीतने से ही है। किरण गति में तो आहार की लंपटता से बलवान होकर के वे निर्बल का तथा परस्पर में भक्षण कर लेते हैं। मनुष्य गति में विवेक है क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन किरण गति में कोई विवेक नहीं है, जो मिला वो खा लेते हैं, जिंदा भी खा लेते हैं दूसरे को। निर्बल लोगों को भी खरगोश रहता है तो उसको वाघ खा लेता है, जिंदा नहीं। आहार की गुरुता से माता पुत्र का भी भक्षण कर लेती है, माँ बनती है तब दस देती है। अपने माता जो सरगोती नागिन वो अपने बच्चों को खा लेती है, जो उसके कुंडाले से बाहर निकल गए बच गए बाकी सब खा लेती है। माँ भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है, भूख लगती है तो क्या करती है, खा लेती। बिल्ली का भी ऐसा ही है, वो अपने बच्चों को खा लेती है। मनुष्य गति में भी नीच उच्च जाति का भेद, समस्त आचार का भेद भोजन के निमित्त से ही है। ऊंची जात नीची जात ऐसा क्यों कहता है, तो नीची जात वाले तो मांस वगैरह खाते हैं, मांस मांस, ऊंची जात वाले कभी हाथ भी नहीं लगाते। इस लोक में जितना निंदीय आचरण है वह सब भोजन का विचार रहित के ही होता है। जिसका खाना आहार अच्छा नहीं है उसका सब अच्छा नहीं है, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। वो जिंदा जब मांस आदि खा सकता है इतना क्रूर होता है तो फिर उसके ऊपर तो दया नहीं है, तो ऐसे जीव के साथ में क्यों रहना, संबंध क्यों बांधना, संबंध नहीं बांधना। तो इस लोक में जितना निंदीय आचरण है वह सब भोजन का विचार रहित के ही होता है। जो खाने पीने में विवेक नहीं रखता, जैसा पानी पिए वैसी वाणी बोले, जैसा भोजन ले वैसा ही उसका ओढ़कर आता है। तो भोजन में जिनकी लंपटता नहीं है वे उज्जवल है, वे वांछा रहित है, वे उत्तम है। नीच उच्च जाति कुल का भेद भी भोजन के निमित्त है। आत्मार्थ यह कि नहीं उत्तम पता कैसे चलेगा, तो खाने पीने में उसको विवेक है क्या, नहीं उसको तो पता चलता है। भूख लगती है तो हम ऐसा शुद्ध आहार नहीं ले, खाने पीने में विवेक नहीं रखो, भूख लगे तो दूसरा बहुत से उपाय, केले खा लो, ब्रेड ऐसा वगैरह लेके खा लो, लेकिन भूख को मिटाने के लिए फिर हम तम्बाकू वगैरह खावे ऐसा कुछ भी जो नहीं खाना चाहिए, चाय बार बार पिए वो ठीक नहीं है, वो सब गड़बड़ है। भूख को सहन करना, सामने से जब भूख आती है तो उदय को सहन करो और अवलोकन करो, उस टाइम में भूख की वेदना नहीं होगी। इसके बदले तो हम भूख को सहन नहीं कर पाते इसलिए लेके जावे खाना, और फिर वो गर्म गर्म ताजा नहीं रहता है और फिर उसको खाते हैं, उसमें तो जीव जंतु का हो जाते हैं और जीव जंतु के साथ तो वाला खाना खाते हो तो और भी परेशानी हो जाती,
बहुत पाप होता है, एक भूख को सहन कर नहीं कर सकते इसलिए ऐसा होता है। भोजन में जिनकी लंपट्टा नहीं है वे उज्ज्वल है, वे वांछा रहित है, वे उत्तम है। नीच उच्च जाति कुल का भेद भी भोजन के निमित्त चाहिए। आहार का लंपट्टी घोर आरंभ करता है, जिसको भूख सहन नहीं होती और खाने पीने में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, वो बहुत मेहनत करता है, उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आहार को ऐसे आहार को लाने के लिए पैसा ज्यादा कमाना पड़ता है। एक बार गम गया तो फिर वहाँ अपने अनुकूल नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, तो यहाँ से पूरा पोटला भर के लेके जाना पड़ता है, घोर आरंभ करता है। बाग बगीचों में एक अपने भोजन जिमने के स्वाद के लिए करोड़ों तरह जीवों को मारता है, पिकनिक पे जाता है, वहां तो खाना नहीं रहता अपने घर का, तो क्या करो, तो एक टाइम खाने के लिए कई करोड़ों जीवों को तरह जीवों को मार डालता है। महापाप की अनुमोदना करता है, अभक्ष्य भक्षण करता है, असत्य वचन हिंसादि महापाप के वचन आहार का लंपटी बोलता है, मिष्ट सुंदर भोजन के लिए क्रोध करता है, मान करता है, छल कपट करता है, चोरी करता है, कुल की मर्यादा तोड़ता है, कुशील सेवन करता है, धन परिग्रह में मूर्छावान हो जाता है, अन्य लोगों को मार देता है, झूठ बोलता है, चोरी करके भी मिष्ट भोजन के लिए धन संग्रह करता है, सब अच्छे आहार के लिए सब इतना सब करता है। भोजन का लंपटी निर्लज हो जाता है, नीच जाति वालों के साथ शामिल होकर के खा लेता है, नीच कुल के मध्य मास खाने वालों की सेवा नौकरी भी करने लगता है, अपने पद के योग्य उच्चता जाति कुल का आचार नहीं देखता है, स्वादिष्ट भोजन देख करके अपने मन को बिगाड़ देता है, बहुत धर्म का धन का धनी तथा अपने धन पर सुंदर भोजन नित्य मिलता होने पर भी नीचों के दरिद्रियों के शूद्रों के मलेच्छ मुसलमानों के घर पर जाकर भी भोजन कर लेता है स्वाद के लिए। भोजन का लोलुपी ग्राम नगर में बिकने वाला नीचे आचरण करने वालों के द्वारा बनाया गया तथा सभी मुसलमान आदि जिसे छूते हैं जाते हैं बेचते हैं ऐसे अधम भोजन को भी खरीद लाता है और खा लेता है। कहीं भी ग्राम नगर में बिकने वाला मतलब कहीं भी मिल जाता है खाना, ऐसी जगह पे जाता है होटल वाले में और हल्के लोगों के द्वारा बनाया गया खाना और जिसको मुसलमान आदि भी छूते हैं मांसाहारी लोग बेचते भी हैं ऐसे अधम भोजन को भी खरीद लेता है और खा लेता है। भोजन का लंपटी तपस्तरण ज्ञान अभ्यास श्रद्धा आचरण समस्त शील संयम को दूर से ही छोड़ देता है, उसको ये पसंद नहीं आता है, तपस्या करना ज्ञान का अभ्यास करना ये सब पसंद नहीं आता है, अपना अपमान होना नहीं देखता है और सहन भी नहीं कर पाता है, जिसको भोजन का रस होता है वो अपना अपमान नहीं देख सकता, अभक्ष्य में झूठी वस्तु में मांस आदि में आसक्त हो जाता है, अयोग्य संगति देखो ये झूठा संग किया है गलत लोगों का संग, अयोग्य आचरण उनके द्वारा अपने कुल क्रम को नष्ट कर देता है मलिन कर देता है, ये जीवा इंद्रिया की लंपटता क्या क्या अनर्थ नहीं कराती है, ये जीव का जो स्वाद है वो जितना पाप कम कराए उतना कम ज्यादा कराए बहुत अनर्थ होता है, सोचना देखना तो आग के लंपटी को है ही नहीं, भूख बहुत जोर से लगी है तो कैसा खाना है वासी है कैसा है जीव जंतु है नहीं है वो नहीं देखता है, डालो पेट में धन बोल ये आहार कैसा है कहाँ से आया है ऐसा विचार तो आहार के लंपटी को रहता ही नहीं है, आहार के लंपटी की तीक्ष्ण बुद्धि भी मंद हो जाती है, बुद्धि विपरीत हो जाती है, सुमार्ग छोड़कर कुमार्ग में प्रवीण हो जाती है, धर्म से परान्मुख हो जाती है, वही देखते भी है कितने ही पुरुषों ने अनेक शास्त्र पढ़े हैं वचनों से अनेक जीवों को शुभ मार्ग का उपदेश भी देते हैं, बहुत समय से सिद्धांत ग्रंथ सुनते आए हैं तो भी उनके सत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण नहीं होता है, विपरीत मार्ग से नहीं छूटते हैं, वह सब अन्याय का और अभक्ष्य भोजन करने का फल है, इतना इतना धर्म के स्थान में देने पर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, इसका एक ही कारण अभक्ष्य भोजन करने का फल। मुनीश्वरों के तो आहार की शुद्धता ही प्रधान है, जो मुनिरा जाते हैं वो तो बहुत देखते भले उनको खाना नहीं मिलता है कभी कभी बहुत दिन तक भूखा रहना पड़ता है बहुत दिन के उपवास होते हैं तो भी भूख लगती है तो भी आहार लेने को आते हैं तो अपने हिसाब से आहार नहीं मिलता तो वापिस चले जाता है, भले एक उपवास और ज्यादा हो जाए लेकिन आहार में बहुत ध्यान रखता है। मुनीश्वरों के तो आहार की शुद्धता ही प्रधान है तथा श्रावक के भी समस्त बुद्धि की शुद्धता का कारण एक भोजन की शुद्धता को ही कारण
श्रावक को भी जितना ज्ञान बढ़ा है उसका कारण ये है कि उसको खाने पीने में रुचि नहीं है और खाने में बहुत विवेक रहता है। आहार के लंपटी के योग्य अयोग्य का सोचने का नेत्रों से देखने का तीर्कना नहीं होता। जो आहार के लंपटी है उसको क्या योग्य क्या अयोग्य और देख समझ कर चल और नेत्रों से अच्छा से देखने के बाद ऐसा तीर्कना नहीं होता। धैर्य रहित होकर शीघ्रता से ही भोजन करता है, फटाफट खा लेता है, धीरज भी नहीं रहती। जीवा का लंपटी मान सम्मान सत्कार अपने पद की योग्यता उच्चता आदि नहीं देखता। मीठा भोजन मिल जाने कोई परम निधियों का लाभ होना गिनता है। भोजन का लंपति मिष्ट भोजन देने वाले के अधीन होकर माता पिता स्वामी गुरु का उपकार भूल जाता है, उनका अपकार करने लग जाता है। भोजन के लंपति की विनय उसके अपने स्त्री पुत्र भी नहीं करते हैं। जो भोजन का ऊंची वाला है उसकी स्त्री उसका पुत्र भी उसका विवेक नहीं करते। भोजन के लंपति को धर्म का श्रद्धान भी नहीं होता है। सम्यक दृष्टि तो आत्मिक सुख को ही सुख जानता है, उसको तो इंद्रियों के विषय जनित सुख में अत्यंत अरुचि हो जाती है, संसार का कोई सुख चाहिए ही नहीं। जिसे सुंदर भोजन में ही सुख दिखता है वो तो विपरीत ज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है। जीवा का लंपटी महाअभिमानी उच्च कुली भी नीचों की चातुकारिता प्रशंसा करता है। भोजन का लंपटी दीन होकर औरों का मुख देखता फिरता है, याचना करता है, नहीं करने योग्य कार्य भी करता है। एक भोजन की चाह कर करके साली मच सातवें नरक में आता है। क्या वो जो बड़ा मगरमच्छ था उसके ऊपर एक छोटा सा मच्छर आ गया, बड़ा मगरमच्छ पूरे मछले को खा लेता था, अपना मुंह खुला है पूरे मच्छर मछलियां जो है उसके पेट में चले आते पूरे माँ, लेकिन पेट भर जाता तो क्या मुंह खुला रख लेता फिर, जो जितने भी अंदर गए सब वापिस निकल जाती बाहर मछलियाँ। तो देखता है तो मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता, भाव करता है कौन मच्छर खा तो सकता नहीं क्या, लेकिन भाव ऐसा किया गया, एक ऐसा मूर्ख है इसको भगवान ने शक्ति दी है लेकिन खाता नहीं, मैं होता तो एक को भी जिंदा नहीं रखता, सबको खा जाता। एक भोजन की चाह कर करके साली मच सातवें नरक में जाता है तथा अनेक प्राणियों का भक्षण करके महामच्छ भी सातवें नरक में जाता है। देखो सुगम नाम का चक्रवर्ती भी देव उपनीत दशांग भोगों से तृप्त नहीं हुआ, किसी विदेशी के लाए पल के रथ की वृत्ता से कुटुंब सहित समुद्र में डूब कर सप्तम नरक में गया, और उसकी क्या कथा था। सुगम चक्रवर्ती जो था उसको स्वर्ग से खाना पीना आता था, इतना स्वादिष्ट तो कहीं भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला ऐसा, लेकिन उसका टाइम आया दुर्गति जाने का, तो क्या हुआ कोई ऐसा उसको चीज मिली खाने के लिए तो उसको पूछा गया ऐसी चीज तो मैंने कभी खाई नहीं है तो कहाँ से आया है, तो बोला ये छह खंड के वो बाजू समुद्र के वो बाजू दूसरा खंड है दूसरा देश है वहाँ ऐसा मिलता है ऐसा, तो मेरे को भी वो खाना है, लेकिन उसको तो अपने को जीतना पड़ेगा पहले, वो राजा मैं जीतूंगा कुछ भी करूंगा लेकिन वो लेके आओ। और जीतने को गया तो अपने छह खंड का ही वो मालिक था, दूसरे का तो मालिक नहीं था, उतना पुण्य नहीं था उसके, फिर भी गया तो समुद्र के ऊपर गया तो डूब गया पूरा, उसका लश्कर भी साथ में डूब गया और साथ में नरक में गया। ये स्वाद के लिए ऐसा हुआ, ऐसे जिनेन्द्र के वचन रूपी अमृत का पान करने से भी यदि तुम्हारी आहार में रसवान भोजन में वृत्ता नष्ट नहीं हुई है, ये जिनेन्द्र का तुमको धर्म मिला है और तुमको खाने पीने की विवेक नहीं है और रुचि भी छुट्टी नहीं है, तो जानते हैं कि अभी तुमको असंख्यात काल अनंत काल संसार में ही परिभ्रमण करना है, अभी तुम्हारा छुटकारा होने वाला नहीं, इतना तुमको रुचि है ये धर्म मिलने के बाद, तो अनंत काल का संसार में ही परिभ्रमण करना तथा सुधा तृषा रोग वियोग जन्म मरण अनंत बार तुझे भोगना बाकी है, यही हम समझते हैं। यदि तुम इस प्रकार विचारते हो कि मैं तो भोजन पान करके सुधा तृषा को मिटाकर तृप्त हो जाऊंगा, किंतु आहार से कभी भी तृप्ति नहीं होती है, क्या कि बार बार इच्छा करने से थोड़ा खा ले तुम्हें तृप्ति हो जाएगी, तुम्हें इच्छा खत्म हो जाएगी भी नहीं होने वाली और बढ़ेगी। सुधा तृषा की वेदना तो असाध कर्मों के नाश होने पर मिटेगी, भूख लगी और अपना मनपसंद खाना खाए इससे भूख नहीं मिटती, भूख कब मिटती, असाध कर्मों का उदय होगा तो मिटेगी। जो चीज नहीं खानी चाहिए उसको बार बार हम खाते हैं, क्यों हम ऐसा समझते होंगे कि थोड़ा खा लेंगे तो फिर
नहीं खाना पड़ेगा, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। अथाता कर्म का उड़े से पीड़ा होती है उसको नहीं खाने की, नहीं खाने से पीड़ा होती है, उसका कारण क्या? अथाता कर्म का उड़े। आप खाओ चाहे ना खाओ, जब तक वो कर्म हुआ है खत्म नहीं हुआ है तब तक आपको पीड़ा होगी होगी हो। तो पीड़ा का सामना आप खाना खा के मत करो, पीड़ा का सामना आप ज्ञान से करो, अवलोकन से करो। कोई भी दुख आवे तो उसका सामना हम ज्ञान से करना है। कोई ने गाली दे दी तो क्या करना, तो उसका सामना ज्ञान से करो, उसका सामना क्षमा भाव से मत करो, क्रोध से ही मत करो, ज्ञान से करोगे तो शांति हो जाएगी, संभाव में रहोगे। ऐसे कोई भी तकलीफ आएगी, कोई भी खाना खाने का इच्छा होगी, कुछ भी, चाहे वो काम की चीज हो चाहे अयोग्य चीज हो, इच्छा होगी, लेकिन उसका सामना ज्ञान से करना है, विवेक से करना है। तो ये नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। शुद्धा तुषा की वेदना तो असाता कर्मों के नाश होने पर ही मिटेगी, आहार करने से कम होने वाली नहीं है कुछ। हम खा लेंगे तो चलो अभी शांति हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आहार करने से तो अधिक दुखता बढ़ेगी। जैसे अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती है, अग्नि में कितना भी लकड़ी डालो तो अब नहीं होना ऐसा नहीं बोलेगी, और जितना डालो खत्म हो रहा। समुद्र नदियों से तृप्त नहीं होता है, उसी प्रकार आहार से भी तृप्ति नहीं होती है, लालसा अधिक बढ़ती है। राग अंतराय के अत्यंत सूक्ष्म से उत्पन्न अनंत अत्यंत बल वीर्य तेज कांति करने वाला मानसिक आहार असंख्यात काल तक स्वर्ग में इंद्र अहम इंद्र का सुख भोगा तो भी सुधा वेदना की अभाव रूप तृप्ति नहीं होती। क्या देवों को, स्वर्ग के देवों को मानसिक आहार होता है, उनको रोटी वगैरह खाना नहीं पड़ता। कई सालों के बाद उनको ऐसा मन में विचार आता है, थोड़ी भूख लगी है, तो विचार आते ही वो उनको अमृत मिल जाता है, अंदर से रास्ते कुछ अंदर से यहाँ से एक सेकंड के लिए खत्म, फिर कई साल निकल जाता है, तो ये मानसिक आहार लेते हैं। तो ऐसे ऐसे अहम इंद्र को सुख भोगा है, बिना खाए भी इतने साल तक जिंदा रहे हैं, सुख में रहे तो भी उनको शुद्धा वेदना तो होती ही है। चक्रवर्ती नारायण बलभद्र प्रति नारायण भोग भूमि के मनुष्यों को भी लाभांतराय भोगांतराय के अत्यंत सूक्ष्म से प्राप्त हुए दिव्य आहार को बहुत समय तक भोग करके भी शुद्धा वेदना दूर नहीं हुई है। उनको तो बढ़िया से बढ़िया भोजन मिलता है, चक्रवर्ती आदि को, तो भी उनकी भूख भूख नहीं मत मिटती, वेदना दूर नहीं होती है। तो तुम्हारे द्वारा कुछ थोड़ा सा अन्न आदि खा लेने से तृप्ति कैसे होगी? उनको दिव्य आहार मिलता है तो भी तृप्ति नहीं होती, तुमको थोड़ा बहुत खाने से तृप्ति कहां से होगी? अतः धैर्य धारण करके आहार की इच्छा जीतने का प्रयत्न करो, धीरज से आहार की जो इच्छा होती है उसको मिटाओ। आहार कितना भक्षण करोगे और उसका स्वाद कितनी देर तक है? कोई भी खाना कितना भी स्वादिष्ट हो उसका स्वाद कितनी देर टिकेगा? जीवा के स्पर्श मात्र तक स्वाद है, नीचे गया कि गया स्वाद, निकलने के बाद स्वाद नहीं है, पहले स्वाद नहीं केवल अधिक तृष्णा बताता। समस्त प्रकार के आहार का भक्षण तुमने अनादि से किया है तब भी तुमको तृप्ति नहीं हुई, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु घोते खाता जीव का स्वाद, पंचेंद्रिय मन का सत्रष्ट अनुपम रस पीने आया हो। तो एक कितना भी खाया तो शांति नहीं हुई। तो अब अंत समय में जब कंठ में प्राण आ गए, मतलब मरने के टाइम नजदीक आ गया, तब थोड़े से और से तुझे कैसे तृप्ति होगी? तो अंतरा लिए हो तो पूरा करो, अब तो दृढ़ता धारण करके अपना आत्मा का हित करो। लोक में ऐसा कोई भी अपूर्व आहार नहीं है जिसे तुमने नहीं भोगा हो। जब समस्त समुद्र का जल पीकर भी तृप्त नहीं हुए हो तो उसकी बूंद को चाट कर कैसे तृप्त हो जाओगे? समुद्र जितना पानी पिया और तुमको प्यास नहीं बुझी है तो थोड़ा सा एक जाकल बिंदु पीने से तुम्हारे कहां शांति मिलने वाली? पूर्व समय में भी रात्रि दिन आहार के लिए ही दुखी होकर जीवन व्यतीत किया है। देखो बहुत समय तक तो आहार के स्वाद लेने की इच्छा रहती है, वह दुख, फिर आहार की विधि मिलाने की सेवा, व्यापार आदि करके धन कमाने में दुख, फिर दीनता करते हुए पराधीन रहने में भी दुख, धन खर्च करने में भी दुख, स्त्री पुत्र आदि जो आहार की विधि मिलाते हैं उनके अधीन होने का दुख, इतना सारा दुख है एक दो वक्त रोटी के लिए इतनी परेशानी है। बहुत समय तक आप भोजन बनाने का आरंभ करते हो किंतु जब तक भोजन तैयार नहीं हो जाता तब तक उसकी इच्छा करते रहते हो, वो भी दुख।
कोई रस आदि सामग्री नहीं लाता है तो उसे लाने को जाने का दुख, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिले तो दुख, मीठा भोजन खाते समय खट्टे की इच्छा, फिर चरपरे की इच्छा, फिर मीठे की इच्छा, इत्यादि बार बार अनेक इच्छा है, जहां तक नहीं मिटी वहां सुख कहाँ है, दुख ही है। जीवा का स्पर्श हुआ और निगल जल लेता है। श्रेष्ठ मनोवांछित आहार भी एक क्षण में जीवा के मूल के नीचे उतर जाता है। भोजन का स्वाद तो जीवा का अग्रभाग ही जानता है, जब तक जीवा ने स्पर्श नहीं किया तब तक स्वाद नहीं आता है। अच्छा भोजन है लेकिन स्पर्श नहीं करोगे तो स्वाद भी नहीं आता। जब जीवा के नीचे उतर गया तो भी स्वाद नहीं आता है। एक क्षण मात्र को आहार के स्पर्श का स्वाद है, जिसको पाने के लिए घोर दुर्ध्यान करता है, महासंकट भोगता है, किंतु भोजन करके भी इच्छा से रहित होता। इसीलिए ऐसे दुख देने वाले आहार के त्याग का अब समय आया है, समाधि मरण करना है। इस समय को महादुर्लभ अपने निधन के लाभ के समान जानो, आहार के स्वाद से अति विरक्त हो जाओ। यदि यहाँ दृढ़ परिणामों से आहार से विरक्त हो जाओगे तो स्वर्ग लोक में जाकर उत्पन्न हो जाओगे, जहाँ हजारों वर्ष तक सुधा वेदना उत्पन्न नहीं होगी। वहां जितने सागर की आयु से है उतने हजार वर्ष तक तो भोजन की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है। जिसकी दो सागर की आयु से 2000 साल तक खाने की इच्छा नहीं होती, 10 सागर की आयु से 10,000 साल तक भूखा पेटा रह सकता है, कोई इच्छा ही नहीं होती, भूखी नहीं लगती। जितने सागर की आयु से उतने 1000 साल बाद में जब कुछ इच्छा उत्पन्न होती है तब कंठ में से अमृत के परिमाण ऐसे बह जाते हैं जिनसे एक क्षण मात्र में इच्छा का अभाव हो जाता है। ये समस्त प्रभाव असंख्यात वर्ष तक सुधा वेदना नहीं होने का, पूर्व जन्म में आहार की लालसा छोड़कर अनशन अवमोदर्य रस परित्याग तप करने का ये फल है। ये तिर्यंत गति मनुष्य गति में जो सुधा दुष्टा रोग आदि के घोर दुख अनंत काल से भोग रहे हो वह सब आहार की लंपटता का प्रभाव है। जितना खाने पीने में रस, अपना पूरा एक्टिविटी जो है व्यापार धंधा खाना पकाना हो सब एक चीज के लिए आहार के लिए। कहीं जाना है तो जंगल में हम क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वहां आहार नहीं मिलता, अपना मन था जैसा आहार नहीं मिलता तो हम कहीं जा नहीं सकते। गए तो साथ में लेके जाना पड़ता है या तो वहां बंदोबस्त है कि नहीं पहले वो देखना पड़ता है। आहार का प्रॉब्लम हर जगह, सोने को तो कहीं से भी जगह बना लेगा वो कहीं भी, लेकिन आहार का क्या करेगा वो। इसकी समस्त दुखों का मूल कारण इस जीव को एक शरीर का ममत्व है। आगे होकर जिस जिसने आहार की लंपटता छोड़ी है वे सुधादि वेदना रहित केवला आहार रहित दिव्य देव हुए हैं। यदि मतलब अभी खाने पीने का रस छोड़ोगे तो स्वर्ग में जाओगे तो वहां आप खाने पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवला आहार रहित दिव्य देव स्वर्ग के देव हो जाओगे, रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि अभी इस वेदना से दुखी हो रहे हो तो आहार के त्याग करने में भी मैं ही दृढ़ता धारण करो, कुछ थोड़े समय ही वेदना रहित होकर कल्पवासी देवों में जाकर उत्पन्न हो जाओ, किंतु आहार भक्षण करके तो वेदना रहित नहीं होगे। समस्त दुखों का मूल कारण इस जीव को एक शरीर का ममत्व है, इसकी ममता से उनकी रक्षा के कारण से ही अनंत अनंत काल तक दुख भोगे हैं। दोबारा शरीर क्यों मिलता है, तो क्या हम शरीर में ही रहना चाहते हैं, इसलिए उसको खिलाना पिलाना नलाना धुलाना इसमें हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। खाना भी उसका ही कारण है, जिसको खाना पीने का त्याग हो गया रुचि नहीं उसका मतलब क्या हो, शरीर से उसकी ममता गई, शरीर से ममता गई तो शरीर रहित हो जाए, और शरीर की ममता करेगा तो अनंत काल तक शरीर मिलते रहेगा एक के बाद एक दुखी होते रहेगा। जितने शुद्धा पुष्टा रोग आदि परिश्रमों के दुख है वे समस्त एक देह की ममता के कारण से, भूख त्याग वगैरह लगती है देह में ममता इसलिए होती है। जो महापुरुष देह में ममता के त्यागी हुए हैं उनको हार्ड मास ताममय महा दुर्गंधित रोगों से भरी देह धारण करना नहीं पड़ती है। जब तक संसार का अभाव नहीं होता तब तक इंद्र आदि देवों की दिव्य देह प्राप्त होती रहती है, उसके बाद शील संयम आदि सामग्री प्राप्त होकर निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। यदि देह की वेदना से दुखी हो रहे हो तो शीघ्र ही देह की ममता लालसा छोड़ दो, जिससे दोबारा देह धारण नहीं करना पड़े। यदि आहार की चाह से दुखी होते हो तो आहार का त्याग कर दो, जिससे फिर शुद्धा प्रसादी वेदना से आहार ग्रहण करना नहीं पड़े। क्रम से देह को इस तरह ब्रश करो जिससे वात पीत कफ का विकार मंद होता जाए, परिणामों की विशुद्धता बढ़ती जाए। इस प्रकार आहार के त्याग का क्रम पहले ही कहा है, बाद में अंत समय में जितनी शक्ति हो उसके अनुसार जल का भी त्याग कर देना। अंतिम समय में जब तक शक्ति रहे तब तक पंच नमस्कार मंत्र का तथा 12 भावना का स्मरण करना।
जब शक्ति घटने लग जाए तो अनंत नाम का ही सिद्ध नाम मात्र का ही गायन करना। जब शक्ति न रहे तब धर्मात्मा वात्सल्य उनके धारक की परण कराने में होशियार ऐसे साधन में निरंतर ताराधना और पंच नमस्कार का मधुर स्वरों से बड़ी वीरता से ग्रहण करा। जैसे आराधक के निर्बल शरीर में वह मस्तक में वचनों से खेद या दुख उत्पन्न न हो तथा तो सुनने में चित लग जाए उस प्रकार श्रवण करावे। बहुत आदमी मिलकर कोलाहल न करे, एक एक साधन में अनुक्रम से धर्म श्रवण और ज्ञेन्द्र का नाम स्मरण करावे। आराधक के निकट बहुत जनों का व संसारिक ममत्व मोह की कथा वार्ता करने वालों का आगमन रोक देगा। मरण का समय आता है तब ऐसे लोगों को नजदीक में नहीं आया जाए। जो व्यापार धंधे की बात करे वो करे, दूर से किसी को मिलने नहीं देते। उसके पास में तो जो धर्म की आराधना करावे श्रवण आदि बोले उसको ही साथ में लेके जाना और किसी को नहीं आना। पंच नमस्कार या चार शरण इत्यादि वितरा कथा की वह नजदीक में अन्य कोई चर्चा न करे। दो चार धर्म के धारक सिवाय अन्य का समागम न रहे। आराधक भी संलेखना के पांच अतिचार से दूर से ही त्याग कर देवे। अब जो संलेखना के अतिचार होते हैं पांच, उसकी चर्चा बाद में करें। मनुष्य गति का दुख और आहार की जो बात थी वो इसमें संलेखना का टाइम। सुख धाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रण मुपद ते वर ते जयते। प्रण मुपद ते